नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार साइबर ठगों का, जालसाजों का, 420ों का राजधानी बना हुआ है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार ही ऐसा राज्य होगा जहां पर 12-12 राज्यों की पुलिस जो है वो आके छापेमारी करती है, और अभी तक लगभग 90 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार पुलिस को कोई इसमें दिलचस्पी नहीं रहती है। कारण ये भी है कि देखिए, यहाँ साइबर फ्रॉडों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हैं कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी के खाते से पैसा निकाल दिया जाता है, बिहार के हाईकोर्ट के जज के नाम पर ठगी की जाती है, बिहार के शायद ही कोई सीनियर IAS या IPS जो फेमस हैं उनके नाम पर ठगी का प्रयास न किया गया हो। लेकिन सबसे दुखदायी बात यह है कि चुनिंदा मामलों को छोड़ दे तो किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगभग हमेशा हम सुनते हैं, हम लोग के साथ वाले लोग के साथ घटित भी होता है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से उनके साथ ठगी की गई, ATM से पैसे निकाल लिए गए या किसी अदर बहाने से पैसे निकाल लिए गए। इवन कि आपको बता दें कि बिहार में परीक्षाओं में भी सबसे ज़्यादा घपलेबाजी यहीं से होती है। देश में कहीं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके तार बिहार से ज़रूर जुड़े होते हैं, चाहे वो IIT का एग्ज़ाम हो, मेडिकल का एग्ज़ाम हो, या किसी सरकारी नौकरी के लिए होने वाला एग्ज़ाम हो। अभी आपको हम बता दें कि बिहार में साइबर ठगों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने गुहार लगाई बिहार पुलिस को कि आप इन लोगों के पकड़ें, ये लोग ठगी दिल्ली में किए हैं और ये बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन बिहार पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। दिल्ली पुलिस आई, 2 दिनों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया और सारे से जो जो ठगी किए गए उन पैसों की रिकवरी भी किया गया। विस्तार में आपको खबर बताते हैं। साइबर क्राइम के मामले में पटना पुलिस गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं दिखाती, जबकि दिल्ली की साइबर सेल की टीम ने लगभग 20 दिनों में पूरे गैंग का ठिकाना ढूंढ निकाला। गिरोह के सरगना सहित 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले गैंग ने दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इनके पास से बरामद दर्जनों मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच हुई तो कई और नाम सामने आ सकते हैं। गैंग में हैदराबाद, झारखंड और बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों के साथी भी शामिल हैं। गिरोह पटना में बैठकर देश भर में ठगी कर रहा है। DCP आउटर नॉर्थ दिल्ली की माने तो गिरफ्तारी हुई है, 1-2 दिनों में मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। इसके पूर्व भी साइबर ठग अगस्त में फर्जी वेबसाइट बनाकर तेलंगाना के कारोबारी से 29 लाख रुपए उड़ाए थे। मामले में पत्रकार नगर स्थित एक फ्लैट में साइबर ठग आकाश को 35 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया गया। फरवरी में अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने रूपसपुर थाने क्षेत्र में 17 करोड़ रुपए की जालसाजी करने वाले ब्रजकिशोर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि साइबर सेल रूपसपुर से 16 साइबर ठगों को अपने साथ ले गई है। इसके पूर्व 12 से अधिक राज्यों की पुलिस बिहार में छापेमारी कर चुकी है। इससे सबसे अधिक दिल्ली पुलिस 30 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है। UP, असम, कोलकाता सहित अन्य राज्यों की पुलिस भी लगातार दबिश देने आते रहती है। पकड़े जाने वाले अधिकांश सातिर नालंदा और नवादा के रहने वाले होते हैं। तो नालंदा और नवादा गैंग भी चलता है और ये गैंग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर बड़ा ही विख्यात है। बड़ा ही आश्चर्य होता है, बिहार में सुशासन की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को USP बताया जाता है, लेकिन यहाँ की पुलिस साइबर ठगों के सामने हथियार डाले हुए है। तभी तो पटना साइबर ठगी का राजधानी बन के उभरा है। यहाँ पर पिछले साल आपको बता दें कि वैसे लोग पकड़े गए थे जो कि कोचिंग चलाते थे साइबर ठगी का, जहाँ पर एक से एक एक्सपर्ट आते थे जो कि नए नए लड़कों को सिखाते थे कि कैसे आपको साइबर फ्रॉडिंग करनी है। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा को लेकर बिहार जो है परेशान रहता है। लेकिन सबसे दुखदायी बात यह है कि पुलिस जो भी लोग पकड़े जाते हैं उनसे उनके सरगना तक पहुंचने की कोशिश नहीं करती है, चाहे वो सिपाही भर्ती में 600 के आसपास कैंडिडेट पकड़े जाएं। BPSC में ही देख लें तो बस जांच एक स्तर तक पहुंच के रुक गया, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं हुआ, कोई आगे काम कार्रवाई नहीं हुआ। तो
पुलिस जो है बस खाना पूर्ति करती है और साइबर मामले को तो ध्यान ही नहीं देती। अगर आपका बाइक चोरी होता है तो पुलिस को है कि ये नहीं कि समय रहते हम उस चोर को पकड़े, वो ज़्यादा ये करती है FIR किस तरह दर्ज करवाएं, क्या करें, ये करें वो करें, इसी में उनका ध्यान रहता है और कभी भी किसी चीज़ का रिकवरी न के बराबर होता है। तो बड़ा ही दुखदाई बात है कि दूसरे राज्यों की पुलिस हमारे राज्यों में आती है और सारे गैंग को पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ की पुलिस उनको छू भी नहीं पाती है, उनका भनक भी उनके नहीं उन्हें नहीं लग पाता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए और इसमें सुधार की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।